हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में, नई लोकेशन के साथ। और जो लोकेशन आप पीछे देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति भवन। और ये हम इसको पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, और अभी इसका जो नाम है अमृत उद्यान के नाम से है। और गर्मियों में ऐसा हुआ है, पहली बार इसको खोला गया है, पहले फरवरी में खुलता था। तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है सेंट्रल सेक्रेटरीट, और यहाँ से आपको 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आना होगा। यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है। लास्ट एंट्री 4 बजे होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। और आपको जो बैग वगैरह है यहाँ पर जमा कराना होगा, और खाने की कोई चीज़ अंदर अलाउड नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अंदर देखने के लिए, धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे अंदर चल के। और सिक्योरिटी है जगह जगह, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें ना लेके आए। तो करते हैं इसको एक्सप्लोर, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप मेट्रो स्टेशन से आते हैं ऑटो से, तो वो 20 रुपये सवारी के हिसाब से लेगा। और सामने देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन, इसके बैक साइड में हमें जाना है। और इससे पहले लेनी होगी हमें टिकट। तो टिकट यहाँ से राइट साइड में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, जो ATM जैसी एक मशीन है, वहाँ से टिकट जनरेट होगी, ये जो आप देख रहे हैं सामने। तो वहाँ से पहले हम ले लेते हैं टिकट, उसके बाद करेंगे एंट्री। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल डालनी होगी, उसके बाद आप एक टिकट या अपनी पूरी फैमिली की टिकट जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने टिकट ले ली है, और ये देखिए सामने यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आप ले आ सकते हैं अंदर और क्या नहीं ले आ सकते। मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अब कर दिया है अमृत उद्यान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पर पूरी चेकिंग होगी पहले, और जो आपका बैग होगा उसको पहले स्कैन करेंगे और फिर वो जमा हो जाएगा। उसके बाद आप अंदर एंटर करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आएगा जहाँ पर अक्सर लोग फोटोग्राफी करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा गया है, और काफ़ी सुंदर बनाया गया है इस जगह को। अभी तक इस उद्यान को 1 साल में एक ही बार खोला जाता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको 2 बार खोला गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है। यहाँ गुलाब की लगभग 159 वैरायटी देखने को मिलती है, जो हमें फरवरी के महीने में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अट्रैक्ट करने के लिए लोगों के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए कुछ पॉइंट ऐसे बना दिए गए हैं यहाँ पर। और काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ, और 15 एकड़ एरिया में इसको बनाया गया है। यहाँ पर गुलाबों के नाम मदर टेरेसा, इब्राहिम लिंकन, जवाहर जैसी मशहूर हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चों की एक्टिविटी के लिए कुछ झूले भी लगाए गए हैं। और एक ये पेड़ है जो काफ़ी पुराना है, ये शीशम का पेड़ है और 225 साल पुराना है। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी गई है, और ऑडियो की फॉर्म में भी यहाँ पर ये चीज़ चलाई जाती है, ताकि लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता चले। और ऊपर इसको पूरा एक तरह से कवर कर दिया गया है, आप ऊपर देखेंगे तो कुछ इस तरह की लुक इसकी अभी आपको नजर आएगी, और काफी हरा भरा है अभी तक भी। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी बनाया गया है, जहां पर पानी का एक झरना सा बहता है, और यहां पर भी लोग काफी फोटोग्राफी करते हैं। इस तरह का कुछ लुक है, आप देख सकते हैं यहां पर। यहाँ से निकल के जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हर्बल गार्डन के नाम से एक जगह बना रखी है अलग से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर हर्बल टाइप की कुछ चीजें, पौधे ऐसे लगाए गए हैं जो दवाइयों में जड़ी बूटियों की तरह जो यूज होते हैं आज भी। और ये देख सकते हैं अलग अलग तरह की कैटेगरी है यहाँ पर, और पूरी तरह से हर्बल है, और बहुत ध्यान रखा जाता है इसका। इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह के पेड़ आपको दिखाई देंगे, और एक नहीं काफी सारे हैं, और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप, ये जो इसकी जो जड़ें लटकी हुई हैं, ये एक ही पेड़ की हैं, और काफी बड़ा और बहुत ही छायादार पेड़ है। तो लोग यहाँ भी फोटोग्राफी कराते हैं, क्योंकि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं बाहर ये पेड़। लेकिन यहाँ पर जो 15 एकड़ का एरिया है, यहाँ एक एरिया में इसको काफी मात्रा में यहाँ पर लगाया गया है इन पेड़ों को। और देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं काफी सारे पेड़ एक साथ, इतने घने और छायादार पेड़ हैं कि ऑक्सीजन तो देते ही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी गर्मियों में काफी डाउन रहता है। और यहीं साइड में आप देख सकते हैं म्यूजिकल फाउंटेन, तो चलते हैं अभी उधर और देखते हैं यहाँ पर कि कितने बड़े एरिया में इनको बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। Oh
दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो ठंडी ठंडी हवा के साथ जो हल्की हल्की बूंदें आपके ऊपर गिरेंगी वो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है देखने के लिए। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई देगा राष्ट्रपति भवन और सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पर। आप देख सकते हैं लोग यहीं से फोटो खिंचाते हैं क्योंकि ज़्यादा नज़दीक जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पहले हमारी जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, लेकिन 1911 में अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। तब रायसीना की पहाड़ियों को काट कर वायसराय हाउस का निर्माण किया गया था, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस तरह के बॉन्जाई ट्री आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे और एक एरिया है जहाँ पर सिर्फ बॉन्जाई ट्री रखे गए हैं, तो अभी हम वहाँ भी चलेंगे। और ये फाउंटेन देख सकते हैं कितना प्यारा है। दोस्तों वैसे तो 29 जनवरी से 31 मार्च तक इसको पहले खोला जाता था, लेकिन आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत इस गार्डन को दोबारा लोगों के लिए खोलने का जो फैसला किया गया है वो अब 17 सितंबर तक यहाँ पर ये खुला रहेगा और वो भी फ्री है। तो आप यहाँ पर जरूर आएं और घूमें राष्ट्रपति भवन, वो भी फ्री में। जितने भी टूरिस्ट आते हैं इस फाउंटेन के चारों तरफ से घूम के तब जाते हैं और चारों तरफ से जो इसकी लुक है वो एक जैसी दिखाई देती है, ये देखिए। और ये एक कला का नमूना आप देख सकते हैं जो फूलों से बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। 15 एकड़ एरिया में फैले इस गार्डन को राष्ट्रपति भवन की आत्मा भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने जितना भी एरिया अभी देखा है, चाहे बॉन्जाई ट्री की बात हो, चाहे बड़े पेड़ हों या कोई गार्डन हो, कहीं भी एक सूखा पत्ता तक नहीं दिखाई दिया। इतना ध्यान रखा जाता है और पूरा नीट एंड क्लीन, हरा भरा और हवा भी शुद्ध है यहाँ पर और कोई पॉल्यूशन भी नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आके, और इसकी जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए फर्स्ट एड पोस्ट भी यहाँ पर एक बनाई गई है। अगर नेचर को आप थोड़ा करीब से और ऐसे ब्यूटीफुल नज़ारे आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं यहाँ से लोकेशन कितनी प्यारी है और ये जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही प्यारे हैं। जो लोग इनका शौक़ रखते हैं, जो पेड़ पौधों का अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो उनको तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। और एक जगह आपको ये कैक्टस की जो वैरायटी है वो भी देखने को मिलेगी, जो अलग अलग तरह के यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस रास्ते पर दिखाई देगी काफ़ी ग्रीनरी, और इस रास्ते को भी ग्रीनरी से काफ़ी अच्छा सा सजाया गया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर दोनों तरफ आपको ये हरियाली हरियाली दिखाई देगी। ये कुछ गमले यहाँ पर रखे गए हैं साइड में। और यहीं से अगर थोड़ा पीछे घूम के देखेंगे तो हमें कुछ व्यू ऐसा नज़र आता है राष्ट्रपति भवन का। इस रास्ते को भी बहुत ही खूबसूरती से थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। आप देखिए छत पे भी थोड़ा सा ये ग्रीनरी का हमें एहसास होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ देखने को मिलता है। और ये साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी ये कुछ पौधे लगाए गए हैं। और एक जगह आपको ये देखने को मिलेगी जो सर्कल में बनाई गई है और ये बीच में फाउंटेन लगाया गया है। चारों तरफ इसके पेड़ पौधे दिखाई देंगे और बीच में फाउंटेन, लेकिन पूरी चारों तरफ से ग्रीनरी से भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फूल भी पूरे लगाए गए हैं यहाँ पर, जो फरवरी में वैरायटी है आपको यहाँ अक्सर देखने को मिलेगी, काफ़ी भरा हुआ लगेगा। कुछ आपको इस मौसम में भी यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ इस तरह के। दोस्तों यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहता है कितने लोगों ने एंट्री की है, कितने ने एग्जिट कर दी है, ये सारा इस मीटर पे यहाँ पर चलता रहता है। इसी के साथ आपको 17 सितंबर तक ये फोटोग्राफी एग्जीबिशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 10 से 5 की इसकी टाइमिंग है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो इसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करें और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको कुछ दिखाई देंगी फोटोग्राफी में, देख सकते हैं आप।
इसके अलावा फूड कोर्ट भी यहाँ पर है, आपको खाने पीने के काफी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये है वो बॉन्साई गार्डन जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी, एक अलग से इसका एरिया बना दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ बॉन्साई मिलेंगे आपको। इस तरह के कुछ बहुत बड़े पौधे जो होते हैं उनको छोटे फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरह की कुछ वैरायटी आपको यहाँ पर नजर आएगी। दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। यहाँ आने के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर। इसके अलावा यहाँ पर जो मशीन लगी हुई है जो मैंने शुरू में दिखाया था वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं। अमृत उद्यान के साथ साथ पर्यटक अपने स्लॉट की जो बुकिंग है वो भी कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति भवन में एक म्यूजियम है अगर वो देखना चाहते हैं तो। मंडे के दिन ये बंद होता है और इसकी एंट्री के लिए आपको गेट नंबर 35 से एंट्री करनी होगी। तो दोस्तों मैंने दिखाया आपको ये मुगल गार्डन जिसको हम अमृत उद्यान के नाम से भी जानते हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, काफ़ी पेड़ पौधे और जो भी राष्ट्रपति भवन के आसपास चीज़ें थी मैंने सब दिखाई आपको। तो अभी 10 सितंबर तक ये खुला हुआ है तो आप भी आकर यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, काफ़ी एंजॉय करेंगे बच्चे। वैसे बहुत कम लोग आए हुए होते हैं राष्ट्रपति भवन में, तो आप ये मौका ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। तो ऐसी किसी नई वीडियो में फिर लेके चलूँगा आपको, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।